यहाँ भी नीचे है, नहर से सिंचाई है। हाँ, इसमें जो है हम लोग इतना प्रयास करके तो जो है पूरा लेबर के आए और पूरा जो है लेबर यहाँ अवेलेबल लगभग काम कर रहे हैं और पूरा एकदम पारदर्शिता से, इसमें कोई जो है भ्रष्टाचार नहीं है, न कोई दिक्कत है। और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई जो है पूरा अन्ना जी के साथ लड़ते हैं। पूरा हम लोग धरना प्रदर्शन में भी पूरा शामिल थे चंदौली जा करके, और पूरा प्रयास किए कि हम लोग की जो है हम लोगों के यहाँ नरेगा मिले और नरेगा सक्सेस भी है। थोड़ी सी उसमें से दिक्कत है, बैंक से मैंने पैसा जब पेमेंट में असुविधा होती है, लेकिन और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है नरेगा से। तो इसके पहले यहाँ का ये कैनाल बांधने से पहले क्या सिचुएशन था? और कुछ नहीं, इसमें सिंचाई पूरा नहीं हो पाती थी, पानी एकदम हेड टेल पर पड़ता था और जो है पानी वहीं लाइनिंग बना है, लाइनिंग के उधर ही पानी रह जाती थी। आगे पक्की लाइनिंग बनी थी, जब यहाँ से हम लोग कच्ची अब खुदवा दिए हैं, अभी पूरा करीब 1000-2000 जो है क्षेत्रफल होगा और पूरी सिंचाई जो है हो जाएगी, इससे जनता को बहुत सुविधा होगी इससे। तो इसमें कितना खर्चा हुआ? और लगभग 4 लाख रुपए खर्च आया है इसमें। और 28 दिन लगे? हाँ, 28 दिन लगा। 28 दिन पूरा। और कितने मजदूर? मजदूर 100 के लगभग में चल रहे हैं डेली। 2800 के लगभग। आशा परिवार था और जयशंकर भाई पहले थे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करते करते 15-20 लोगों का एक संगठन बना। संगठन होने के बाद हम लोग काम करने लगे मजदूरों में, और मजदूरों में जब काम करने लगे तो कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब मजदूरों का पगार नहीं मिल पाता था, हम लोग जा कर के पगार दिलवाते थे। कभी कभी धरना पर बैठने का भी चांस मिलता था हम लोगों को। और नरेगा एक ऐसा सिस्टम चला है कि मजदूरों को बहुत लाभदायक है, वैसे भोजन का भी व्यवस्था चलता है और बाल बच्चों का भी व्यवस्था चलता है। उसके बाद इससे जगह जगह ये पूरे मतलब विश्व में नरेगा जो फैला है, इससे बहुत बेटर और निश्चित रूप से इसमें बहुत लाभदायक होता है और तो लोगों को आवास मिलता है। आवास भी मिला है 45 हमारे ग्राम सभा में, उसमें भी हमको भी मिला है और 45 लोगों का मतलब व्यवस्था हुआ है। 45 लोग बनवा रहे हैं, करीब करीब लगभग में बन चुका है, 2-4 लोगों का बाकी है। और नरेगा के माध्यम से बहुत ही बढ़िया और जुझारू व्यवस्था चल रहा है। तो इस नरेगा आने से पहले आशा परिवार आने से इसके पहले चलता था, आशा परिवार इसके पहले भी चलता था। नहीं नहीं, इसके पहले जो गांव का सिचुएशन कैसा था? सिचुएशन मतलब गड़बड़ था। जीविका कैसे चलती? अब जीविका बढ़िया ढंग से चल रहा है। नहीं, उसके पहले कैसे चलती? उसके पहले बहुत परेशानी झेलना पड़ता था हम लोगों को, काम नहीं मिलता था। वही काम नहीं मिलता, काम अगर काम भी हम लोग दिलवाते थे तो उसमें भी पैसा नहीं मिल पाता था, तो उसमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। कभी कभी हम लोग काम मांगने जाते थे तो ग्राम प्रधान कहते थे कि हमारे यहाँ काम नहीं है। वर्क अगर सर 100 रुपए का होता था तो उसमें लोग जो है कम से कम 10,000 रुपए जो है भुनाते थे कि हम तुमको 100 रुपए देंगे और 10,000 का हमारा पेमेंट करवा दो। इस समय का जो कार्यकाल है, कार्यक्रम है, वो बढ़िया से चल रहा है और लगभग ये मान के चलें आप कि 90% काम चल रहा है। और ये जो नहर पे काम चल रहा है, ये मुअज्जम जी हैं जेई यहाँ के, वो अभी बोल के गए हैं कि चंदौली जिला में ये फर्स्ट काम चल रहा है जो इतना बढ़िया काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना मिट्टी यहाँ काट के ये लोग निकलवाए हैं। और सबसे बड़ी खुशी इसके आगे जो नत्थी गई है वहाँ तक तो सिंचाई हो जाती थी सर, नहर बनी हुई है, लेकिन उसका कोई लाभ हम नहीं था। 25-26 साल से हम किसान लोग जैसे किसी प्रकार से अपना खर्च निकाल लेते थे फसल का, अब ये लग रहा है कि नहीं, अब हम लोगों की खेती बढ़ेगी और पैदा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम लोग संतुष्ट होंगे। जो ये जो अभी कनाल बनेगा उसके पानी से कुछ पानी आने से क्या फायदा? पानी आने से सिंचाई होती है। तो इसके पहले सिंचाई के कैनाल बनने वाला है, अभी जो बन रहा है तो उसका मतलब लाभ है सर?
बहुत लाभ है। हम ऐसा होता था कि यहाँ पानी ट्रेल पड़ता था तो पानी उनी आने में जैसे ही यहाँ पानी आता था वैसे ही लाइट कट जाती थी। अब वहाँ जो है लाइट 24 घंटे हो जाएगी और 24 घंटे लाइट हो जाएगी तो लगातार जब पानी मिलेगा उसको तो चलता रहेगा, तो हम लोगों का भी को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये जो रिपेयरिंग हो गई है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप समझ लें इधर के किसानों को। करीब 1,500 बीघा यानी 1,000 एकड़ जमीन इधर से लाभान्वित होगी। और इधर भी एक बात है, इससे भी पानी जो है आता है गुलालबंदी में से, तो नहीं चढ़ पाता था इधर भी, तो वो भी पानी जो है इधर अब चढ़ जाए। जी जी। तो इसके पहले आपने गवर्नमेंट से दरखास्त की थी कि बहुत किया था सर हम लोगों ने, सिंचाई मंत्री वगैरह हुआ करते थे, एक दो सिंचाई मंत्री नहीं, अब 25-26 साल के अंदर समझ लें आप कितने सिंचाई मंत्री आए गए होंगे उन लोगों के। हाँ, हम लोग खूब संगठन बना के 10-20 गांव से मिल के मैंने साइन करवा के सिग्नेचर करवा के दरखास्त अप्लीकेशन दे के वहाँ अच्छे अच्छे लोग जैसे पढ़े लिखे लोग जाके उन लोगों से कहते थे सिंचाई मंत्री साहब से कि सर हम लोगों की ये समस्या है, लाइनिंग हो जाए तो कुछ दो रोटी का जीविका हो जाए। हम लोग बहुत बैक थे सर, अभी भी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग बैक नहीं होंगे, जैसे बच्चों के पढ़ाने लिखाने में असमर्थ थे, अपना जीविका चलाने में असमर्थ थे, कर्ज से हम लोग एकदम दब गए थे, पूरा रोम रोम, कहीं हम लोग हिलने डुलने लायक नहीं थे कर्ज से। अब ऐसा आसार लग रहा है कि इसके हो जाने की वजह से हम लोगों का अब जीविका बढ़िया से चलेगा, अब इसका कार्य काम जो है अच्छे से होगा, हम लोगों को ऐसा लग रहा है आप तो लोगों की मेहरबानी से। नहीं नहीं, हमारा तो कुछ नहीं है। नहीं, देखें हम एक बार जे एसी साहब आए थे तो हम कहे कि सर हाथ जोड़ के हम कहें बच्चे आपके भी होंगे, हमको भी बच्चा मान लीजिए। जब पापा कहीं से आते हैं तो बच्चे यही सोचते हैं कि पापा आज बिस्किट लाए होंगे, आज टॉफी लाए होंगे, आज कुछ ब्रेड वगैरह लाए होंगे, तो अपने च्वाइस की बात बच्चा सोचता था, उम्मीद रखता था अपने पापा से। आप हमारे अधिकारी, हम रोक के कहे सर आप हमारे अधिकारी हैं, यहाँ आए हैं, हमको काफ़ी हमारी तमन्ना मतलब बाहर आ रही है और उम्मीद हो रहा है कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो सर क्या कह रहे हैं आप, ये कैनाल हम लोगों का सुधर जाएगा, नहर बन जाएगी, हम लोग जी खा सकते हैं कि नहीं। कहें बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। हम उनसे अवगत कराए कि हम लोगों का बेल्ट जो नक्सल बेल्ट है हम लोगों को ऑफर भी मिलता है उसमें ज्वाइनिंग के लिए, कि आप आओ 5,000-10,000 रुपया महीना मिलेगा आपको, उसमें हो जाओ। तो ये होता है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नमक रोटी खाएंगे, अपने घर पे ही रहेंगे। अब सरकार से देखिए सर यहाँ लाइट वगैरह नहीं थी, अब लाइट आ गई है 3-4 साल से, इसमें भी सुधार है। कुछ लोग जहाँ तहाँ बोरिंग सक्सेस नहीं है करा के लोग अपनी खेती मतलब अच्छे से कर लेते हैं, कुछ ठीक ढंग से उसमें सुधार हो गया है। जैसे आप नहर खनवा दिए, नहर खनवाने का भी लाभ काफ़ी दिखाई दे रहा है, कनाल भी बन जाएगा, वहाँ लाइट हो जाएगी, उसकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो इसे लाभ मिलेगा सर किसानों को। तो आपने जो यह मजदूरी कर रहे हैं तो अपने खेत के लिए कर रहे हैं, तो आप की जो भावना है तो जो मजदूरी के लिए कर रहे हैं क्या आपके खेत के लिए बेनिफिट होगा करके कर रहे हैं? नहीं, हम लोग के पास तो खेत नहीं है फिलहाल। अच्छा, हम लोग तो मजदूरी करके ही मतलब मजदूरी जीवन यापन करते हैं। अच्छा, परिश्रम से। तो ये खेत किसके? खेत तो इधर मतलब ये किसान है, काश्तकार है सर। जी, ये किसान काश्तकार हैं, यादव जी हैं, उन्हीं का खेत है। ये लोग मजदूर हैं, इन लोगों के पास किसी के पास जगह जमीन नहीं है, मजदूरी का ही पेशा करके अपना जीवन यापन करते हैं। नरेगा नहीं था तो इसी पहाड़ से लोग लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करते थे, जबकि लकड़ी नहीं काटना चाहिए, लेकिन करें क्या, कोई कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। जब परिवार है, फैमिली है, बीवी बच्चे हैं तो कुछ न कुछ जीविका के लिए करना पड़ेगा, तो वही अपना जंगल काटते थे, पत्थर तोड़ते थे, चोरी से पत्थर तोड़ते थे, बंद होते थे, रिस्क लेते थे, फिर अपना जमानत करवाते थे, फिर उसी काम में आके लग जाते थे, यही सब है। विशाल भाई, जिला में जाकर के हम लोग पत्थर तोड़कर जीवन यापन पहले करते थे हम लोग, तो वहाँ से फिलहाल फिर जब मनरेगा की कार्य योजना मतलब चलने लगा उसी में हम लोग धीरे धीरे लवलीन हो गए। फिर हमारे जो बगल में बदामा पहाड़ है उसमें भी हम लोग कार्य करते थे पहले, उसके बाद वो बंद हो गया। उसमें मतलब क्यों बंद हो? ये बदामा पहाड़ है सामने, अवैध टेंशन के चलते दर्शाया गया कि मतलब उसमें सागवान और बहुत सा मतलब कीमती लकड़ी है, कोई
कीमती लकड़ी नहीं है फिलहाल, हम वही इतना है पत्थर है बस यही सब सिस्टम है। हमारे गांव में पहले एक कृष्ण मुरारी प्रधान थे 55 साल से, उन्होंने कुछ लोगों को दबाव में रखा हमेशा, और हम लोग जाते थे, हम लोग का मतलब करीब करीब 2-4-10 लोगों का टीम था, जिससे मान लीजिए हम अपने बहुत मतलब ज़बरदस्त और अकेले काम करते हैं, तो काम मांगने जाते थे तो कहते थे कि काम नहीं है हमारे ग्राम सभा में, काम नहीं है, और जब मांगने के बाद अगर वो कहते थे कि नहीं है तो हम लोग जा कर के आवेदन करते थे, आवेदन करने के बाद धरने पर बैठे तब जाके काम मिला, फर्स्ट काम मिला जो कि 1.5 महीना हम लोग लगातार काम कराए, और वो भी नाम जो कि उन्हीं का हुआ, अब पेमेंट जबरी हम लोग कराए, और उसके बाद इस समय जो हम लोग प्रधान पक्ष में लाए हैं आशा परिवार के माध्यम से, इस समय अगर 5 साल लगातार अगर काम चलता रहेगा तो भी काम खत्म नहीं होगा।